अच्छा देखो, सबसे पहले हमारे हमने यहाँ पे क्या क्या सीख लिया था, एनिमेट तक सीख लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं स्टॉप। आप कोई भी एनिमेशन को स्टॉप कर सकते हो। देखो, द जेक्वेरी स्टॉप मेथड यूजिंग द स्टॉप एनिमेशन और इफेक्ट बिफोर इट इज फिनिश्ड। मतलब कोई एनिमेशन चल रही है, उसको आपको रोकना है, तो आप क्या कर सकते हो, स्टॉप मेथड का यूज कर सकते हो। चलो एक काम करते हैं, एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। एक मैंने यहाँ पे क्या करा, एक सर्कल ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या करा, सर्कल में इसके विथ हाइट मेंशन कर दी। तो मैंने यहाँ पे एक लिंक दे दिया CSS, और यहाँ से स्टाइल कर दिया सर, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या करा, इसका सर्कल नाम दे दिया इसका। नई फाइल सर्कल डॉट CSS, ऐसे सेट कर दिया। अब मैं यहाँ पे CSS दे देता हूँ इसकी। तो नाम सर्कल है इसका, विथ 70 पिक्सल, हाइट 70 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर रेड। देखा था बैकग्राउंड हाँ, तो वो सिंपल ही वो कह रहे हैं ना, सिंपल चाहिए, ऐसा कुछ पीछे डिजाइन नहीं है, हम पहले डिजाइन बना रहे हैं। तो बैकग्राउंड कलर हमने क्या करा, रेड दे दिया, ठीक है। अभी कैसे आउटपुट चेक कर रहे थे हम, तो अभी हमारे पास कैसा आ रहा है, तो भी इसमें देखिए पहले, ठीक है। जितना मैं इसका पार्ट बता रहा हूँ वो लिखता रहिए साथ में। तो मेरे पास क्या आ गया, एक रेक्टेंगल आ गया, ठीक है। मैंने क्या करा अभी, लिंक रिलेशन स्टाइल शीट और यहाँ पे HREF, ये तुमको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि कैसे लिंक कराते हैं, है ना। यही क्या था ना, एक्सटर्नल CSS बोलते हैं। इसका नाम रखा मैंने, पहले हमने पिछली क्लास में सीखा था कि डायरेक्ट हम H1 की कैसे CSS दे सकते हैं, मतलब हेडिंग की CSS कैसे दे सकते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, एक डिव को समझ रहे हैं। डिव का यूज होता है वेबसाइट को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना, ठीक है। तो आपने डिव की अगर ही क्लास दे दी सर्कल, तो मैंने इसका नाम दे दिया सर्कल, मतलब कोई डिव लिया, अलग अलग डिव दिखाने हैं तो क्या हो जाएगा, मैंने इसका यहाँ पे क्या करा, क्लास दे दी सर्कल, ठीक है। या तो आप क्लास यूज कर सकते हो या फिर आईडी यूज कर सकते हो, ठीक है। तुषार, आईडी में क्या लगता है, आईडी को कॉल कराने के लिए क्या लगता है, डॉट लगता है। कल भी तो पूछा था। ठीक है, तो आईडी या फिर क्लास। क्लास में क्या होता है, क्लास में हम फुल स्टॉप यूज करते हैं, आईडी में हम हैशटैग यूज करते हैं। क्लास और आईडी में क्या फर्क होता है, ये इंटरव्यू पूछते हैं, ये क्वेश्चन ना लिख लो, सारे लिख लो। क्या डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड आईडी, ये देखो ये लिख लो। आप क्लास नेम कैन बी यूज्ड बाय मल्टीपल एचटीएमएल एलिमेंट व्हाइल एन आईडी नेम मस्ट ओनली बी यूज्ड बाय वन एचटीएमएल एलिमेंट विद इन अ पेज। लिख लो जरा, ये इंटरव्यू जरूर पूछते हैं आईडियो क्लास के लिए। नेहा क्या होता है आईडियो क्लास में फर्क, आईडी में हैशटैग यूज करते हैं और क्लास में डॉट यूज अच्छा, और करते हैं। आईडी में क्लास सॉरी
डॉट करके यूज करेंगे, जैसे कि और शैली तुम बताओ। बार बार यूज कर सकते, कहाँ यूज कर सकते बार बार? एलिमेंट में, सिंगल एलिमेंट में हम बार बार यूज कर सकते हैं एक पेज पे। समझ में आया? अब बताओ जरा आईडी और क्लास में क्या फर्क होता है? क्लास को मल्टीपल यूज कर सकते हैं। मल्टीपल क्या यूज कर सकते हैं? बार बार यूज कर सकते हैं। मस्टिम आईडी को, आईडी को एचटीएमएल एलिमेंट में सिंगल टाइम यूज कर सकते हैं, और क्लास को हम मल्टीपल यूज कर सकते हैं एक एलिमेंट के अंदर, मल्टीपल क्लास यूज कर सकते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू में सीएसएस का। हाँ क्या करना है? क्या लगा रहा है क्या लगा रहा है क्या लिखा है ना, ये कैसे लिख दिया तूने? कोई बुलेट बुलेट लगाई है क्या? ये लगा देना तूने यहाँ से, ये लिख दिया, कर दिया ना। तो हमने यहाँ पे क्या करा, डेप क्लास सर्कल यूज किया, ठीक है, और यहाँ पे हम सी एस एस देते सर्कल की। तो हमने क्या करा, यहाँ पे सर्कल की सी एस एस कैसे लिखी, फुल स्टॉप सर्कल विथ 90 पिक्सल हाइट, 90 पिक्सल बैकग्राउंड कलर रेड, और अब रन करके देखते हैं। हमने रन किया तो देखो क्या आ रहा है, रेड कलर का बॉक्स बन के आ रहा है, ठीक है। पर ये मुझे रेड कलर का बॉक्स नहीं, सर्कल चाहिए। तो सर्कल के लिए क्या लगाते हैं हम, यहाँ पे लिखेंगे बॉर्डर हाइफन रेडियस। बॉर्डर रेडियस अगर आप 50% कर दोगे ना, तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल ये सर्कल बन जाएगा। ये तो सर्कल बनाने के लिए लिखना है आपने बॉर्डर रेडियस 50%, और 100% से 50% ज़्यादा होता नहीं है। 10% कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, राउंडेड रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है। 20 पिक्सल हो जाऊंगा तो और राउंडेड हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे इसमें एनिमेशन चाहिए, तो एनिमेशन ये चाहिए कि ना ये यहाँ से उठ के यहाँ जाएगा, ठीक है। मैंने क्या करा था, एक तो ना इसकी ना सर्कल की विथ राइट डाल रहा हूं, ये लिख लेना बॉर्डर रेडियस 20, ये इतना पिक्सल जो भी रखना है, इससे सर्कल बनता है। ये मैंने हटा दिया और मैंने लिख दिया यहाँ पैडिंग 40 पिक्सल। तो ये क्या हो रहा है, ओहो विथ क्या। अब इसे मुझे मूव कराना है, तुम तो इतना लिखो भी, ठीक है, पहला भी इनको बता दूंगा आगे। हमें क्या करना है इसके आगे, यहाँ पे मूव कराना है, तो हमें जेक्वेरी चाहिए होगी। जेक्वेरी का मैं यहाँ पे लिंक ले लेता हूँ, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे जेक्वेरी का लिंक ले लिया,
ठीक है, और इसको कहाँ लगा दूंगा, अपने ये बॉडी से पहले। अब हम क्या करते हैं, इसमें एनिमेशन दे देते हैं। तो एनिमेशन देने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे अभी अभी इतना लिखना दूं मैं, बस स्क्रिप्ट लिखा और यहाँ पे लिखा हमने डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, और उसके बाद आगे हमारे पास यहाँ पे फंक्शन ओपन टैग क्लोज टैग बंद कर दिया यहाँ पे और यहाँ बंद कर दिया इस तरीके से। अब लिखा यहाँ पे डॉलर, किसको मूव कराना है, सर्कल को। सर्कल क्या है, क्लास है, तो यहाँ पे फुल स्टॉप। अगर आईडी होती तो क्या लगता, हैशटैग लगता, अभी फुल स्टॉप लगेगा। यहाँ पे लिखा आपने डॉट और यहाँ लिखा एनिमेट, ओपन टैग क्लोज टैग, सिर्फ लेफ्ट मूव कराना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा लेफ्ट कॉलन 800 पिक्सल, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अभी चेक करें हम कैसा आउटपुट आ रहा है। पहले मैं इसकी सीएसएस में लिख देता हूँ, पोजीशन रिलेटिव क्या एब्सोल्यूट, देखते हैं आउटपुट कैसा आ रहा है। ये आ रहा है हमारे पास, ये जैसे ही वेबसाइट आई तो ये इस तरीके से एनिमेशन करके आ रहा है, ठीक है। अगर आपको इसकी स्पीड स्लो करनी होगी तो क्या करेंगे, यहाँ पे ना ब्रैकेट के बाद कॉमा लगाना है और यहाँ पे टाइम डाल देना है ऐसे, ठीक है। स्पीड हो गई, अब मैं चाह रहा हूँ क्या, स्लो भी लिख सकते हैं, राइट स्लो लिख सकते हैं हम, तो हम नहीं कर रहा, अगर स्लो तो लिख तो सकते हैं पर। हाँ नहीं, स्लो भी एक फंक्शन है, स्लो हाँ स्लो होता है। इसमें कहीं दे रखा है, इसने कहीं यूज किया हुआ है, एनिमेट में होगा। ये डबल कोट्स में लिखना है, टाइम दिया हुआ है, तो यहाँ पे डबल कोट्स में आएगा स्लो। अब चेक करते हैं, थोड़ा सा स्लो हुआ है पर इतना भी नहीं हुआ। तो यहाँ अब टाइम डाल दो वो सही रहता है, तो टाइम से हम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, 9000 डाल दिया। अब चेक करते हैं आगे, समझ में मुझे ये रोकना है, तो मैं चाहता हूँ बटन पे क्लिक करूँ तो ये रुक जाए। तो मैंने यहाँ पे एक बटन बना दिया, इस पे लिख दिया स्टॉप, ये रुक जाए। तो आपने क्या करना है, बटन पे ऑन क्लिक पे एक फंक्शन चला दिया F1, यहाँ पे लिखना है आपने फंक्शन का नाम। फंक्शन का नाम क्या था, F1 ओपन टैग क्लोज टैग। फिर यहाँ लिखना है आपने कि जब कोई क्लिक करेगा तब, अच्छा ये इसमें तो फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं होती, क्या लिखेगा इसके अंदर, तो ये लिखेंगे डॉलर, इस पे क्लिक करना है बटन पे, हटा दो सो, तो बटन पे क्लिक करना है, तो डायरेक्ट बटन लिख सकते हैं ऐसे। बटन पे क्लिक करने पे क्या होगा, एक फंक्शन चलेगा यहाँ पे, ओपन टैग क्लोज टैग, किसको रुकवाना है हमें, डॉलर सर्कल को। तो यहाँ लिखेगा फुल स्टॉप सर्कल डॉट स्टॉप, चेक करें अब क्या हुआ, चलने दो उसको, रुक दूँ अभी से, क्लिक किया फिर रुका ही नहीं, क्या दिक्कत आ गई, सर्कल की स्पेलिंग गलत कर दी मैंने। रिफ्रेश करते हैं,
जितनी देर में फोन निकालूंगा उतनी देर में पहुंच जाएगा ये। हाँ स्टॉप हो गया। हाँ नित्या हेलो, हाँ गुड इवनिंग, क्या हाल चाल? अभी वो भी आए हुए थे दोनों। अच्छा आ गए ऑफिस। अच्छा हेलो, हाँ क्या नाम है इसका? रिज्यूम देखे हुए परी रही हो? हाँ हाँ नित्या बोलो। इसके लिए डोमेन लेना होगा। और कितने पेज का ये? देखो लैंडिंग पेज के ज्यादा होते हैं, बाकी अंदर के पेजेस के, जैसे लैंडिंग के पेजेस के ना, जैसे जो स्टार्टिंग का पेज होगा उसका तो 1200 या 1500 तक के होते हैं, ठीक है। और बाकी अंदर अंदर के जो पेज होते हैं वो 500 600 इस तरीके से होते हैं। ओके तो इस हिसाब से हो जाएगा। मुझे एक बार भेज देना पूरा कि कैसा डिजाइन है उसका, तो मैं उसका बता दूंगा इसका। ठीक है तो सर इसमें डिजाइनिंग भी फिर आप ही करोगे या मैं करके भेजूं? डिजाइनिंग डिजाइनिंग तुम करने हो तो कर देना, नहीं तो रिपोर्ट तो मैं कर दूंगा सर। ठीक है चलो फिर मैं वो आपको बता। ये ना कोई सेक्शन होगा इसमें, अपलोड हुए सारे। ये क्या ये लोग? नहीं ये क्या ये खाली क्यों है ये? तूने चेक नहीं करा कैसे बनाया फिर? एक मैं कोरल की जॉब, कंपनी अच्छी है कोरल की, और कंपनी अच्छी है, काम भी अच्छा है उस कंपनी का, सीखने को भी अच्छा मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो क्लिक करने पे स्टॉप हो गया, ठीक है ओपन इट करते हैं तो देखो। ओके बाय। देखो यहाँ पे क्लिक करा हमने, ये स्टॉप हो गया, ठीक है आगे समझ में? स्टॉप हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं एनिमेशन को, ठीक है। स्टार्ट करनी है तो दोबारा से वो लगा सकते हैं हम, ऑन क्लिक पे वही एनिमेट लगाना पड़ेगा, यानी इसी को कॉपी कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक दूसरा बटन लगा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, इसकी कॉपी कर ली, यहाँ प्ले कर दिया, ठीक है। और यहाँ लगा दिया मैंने बटन की आईडी BTN1 और इसकी आईडी दी मैंने BTN2। और अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस पे लिख देंगे #BTN#BTN1 और इसी को कॉपी करा हमने और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, यहाँ पे BTN2 कर दिया। क्लिक करने पे क्या हो जाएगा, स्टॉप, स्टॉप की जगह यहाँ लिख देंगे एनिमेट, ये वाली लाइन कॉपी कर लेंगे, ये वाली लाइन यहाँ पे लगा देंगे। अब चेक करते देखो ये प्ले कर रहे हैं या रहे, स्टॉप पे क्लिक करने पे स्टॉप हो गया, प्ले पे क्लिक करने पे प्ले हो गया, ठीक है।
स्टॉप पे क्लिक करने स्टॉप हुआ, प्ले पे क्लिक करने पे प्ले हो गया। अब वापस के लिए तो रिफ्रेश ही करना पड़ेगा या रीसेट करना पड़ेगा। हाँ रीसेट करना पड़ेगा तो वो तो हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे ना एक फॉर्म लगा दूं और फॉर्म में लिख दूं इनपुट टाइप रीसेट और इसको बंद कर दूं, ठीक है। अभी रिफ्रेश करें, अभी हुआ इससे कुछ? स्टॉप रीसेट कुछ नहीं हुआ। या इनपुट टाइप रीसेट की जगह सबमिट कर देता हूँ, हो जाना चाहिए। और रिफ्रेश करते हैं, स्टॉप प्ले स्टॉप सबमिट। आगे समझ में आया? समझ में? तो इस तरीके से हमारा स्टॉप फंक्शन चल जाएगा और चलवाना है वापस तो एनिमेट वापस उसमें लगा देंगे, ठीक है। स्टार्ट कोई प्री डिफाइंड फंक्शन नहीं है तो स्टॉप इसमें क्या करना पड़ेगा, एनिमेट दोबारा से लगा देना आपका। तो ये सब समझ में आ गया, ये चीज आ गई। आज एक कॉल बैक और समझते हैं, कॉल बैक क्या होता है। कॉल बैक में कुछ नहीं है, कॉल बैक नाम दे रखा है बस। मैं चाहता क्या हूँ, किसके? हाँ गुड इवनिंग, बढ़िया। तू बता सर, वो कल वाली क्लास का क्या कर रहा था आपने? कल मैंने बूटस्ट्रैप स्टार्ट कराई थी। अप्लाई कर दिया, अप्लाई कर दिया मैंने वो तो गूगल माई बिजनेस का, बाकी वो वेबसाइट को स्टार्ट करूंगा। हाँ आ जाएगा, एक हफ्ते में आ जाएगा, परसों ही बनाया था मैंने। हाँ कोई नहीं, बाद में देख लेंगे, ठीक है। हाँ काम चल रहा है, हाँ वेबसाइट का भी स्टार्ट कर दूंगा। हाँ ठीक है, करवा दूंगा, ठीक है ठीक है ठीक है, आ जाइयो। अब देखो हमने क्या करा, अब ये तो चीज समझ में आ गई इतनी। अब एक कॉल बैक फंक्शन और देख लेते हैं, रीनेम। इसका नाम दिया कॉल बैक। और अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, स्क्रिप्ट कॉल वही कॉपी कर लेते हैं। स्क्रिप्ट तो हमारी कौन सी स्क्रिप्ट है, ये वाली एजेक्स वाली। इसे कॉपी किया, इसे यहाँ पेस्ट कर दिया। कॉल बैक में कुछ मतलब नहीं है, कॉल बैक का मतलब ये एक साथ दो तीन फंक्शन चलाना। जैसे मैं चाहता हूँ कि ना एक बटन है, ठीक है, इसमें लिखा हुआ मैंने शो और यहाँ पे लिख दिया मैंने पैराग्राफ, ये कंटेंट डाल दिया। मैं चाह रहा हूँ ये हाइड हो जाए, बटन हाइड हो जाए। जैसे ही हाइड हो तो एक अलर्ट का मैसेज आ जाए हाइड होने के बाद। तो आपने क्या करना है इसके लिए, यहाँ लिखना है डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन ओपन टैग क्लोज टैग और बंद कर दिया। अब यहाँ लिखना है आपने डॉलर क्या नाम आ जाएगा यहाँ पे, किस पे क्लिक करवाना है, बटन पे। तो बटन पे क्लिक करने पे क्या होगा, फंक्शन चलेगा ओपन टैग क्लोज टैग और उसमें हो जाएगा कौन शो हो जाएगा, पी टैग। तो डॉलर यहाँ पे आएगा पी पे शो हो जाएगा। अब इसी के अंदर आपको एक फंक्शन बना देना है, ओपन टैग क्लोज टैग यहाँ लिख देना अलर्ट या प्रॉम्प्ट लिख देता हूँ मैं, प्रॉम्प्ट। और यहाँ पे बंद कर दिया और इसे भी बंद कर दिया। अब रन करके देखे, हाइड हाइड तो नहीं हुआ, हाइड हाइड अच्छा हाइड शो कर दिया मैंने, हाइड हुआ पहले फिर ये आ गया डायलॉग बॉक्स। तो अगर एक साथ दो एक्टिविटी दिखानी है तब ये यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मैं चाहता हूँ कि कोई डिलीट के बटन पर क्लिक करे तो डिलीट करने के बाद सक्सेसफुली लिखा आ जाए कि सक्सेसफुल डिलीट हो गया, ठीक है। तो डिलीट सक्सेसफुली हो गया तो उसके लिए हम ये कॉल बैक फंक्शन यूज करते हैं। एक साथ हम दो तीन चार जितने भी फंक्शन लगा सकते हैं, ठीक है।
तो कॉल बैक फंक्शन का मतलब समझ में आ गया ना, जैसे किसी मैंने क्या करा, फॉर्म सबमिट किया, फॉर्म सबमिट के बाद मैं चाहता हूँ मुझे सक्सेस का मैसेज आ जाए जब सबमिट हो जाता हूँ, तो इसी तरीके से होता है। ठीक है, काफ़ी जगह आपने देखा होगा, यहाँ तक कि जीमेल भी ना यही फंक्शन यूज़ करता है। जीमेल क्या कहता है कि ना जब हम मेल भेज देते हैं तो मेल भेजने के बाद ना एक सक्सेस का मैसेज आ जाता है कि ना आपकी मेल चली गई है, तो वो भी इसी तरीके से होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कॉल बैक फंक्शन। देखो ये इसी तरीके समझा रहा है, देखो ये रहा, क्लिक करने पे हाइड हो गया और यहाँ पे इस तरीके से आ गया हमारे पास। ठीक है, अच्छा अब तुम लोग ना सारे के सारे ना एक साथ बैठो, लैपटॉप ले लो, कंप्यूटर ले लो, उधर लैब में जाके यहाँ के ये जितने भी फंक्शन है ये सारे पहले करके देखो कॉल बैक तक के। ठीक है, यहाँ तक के मैंने ये सारे करा दिए तुम्हें, चेनिंग अभी रह रहा है और इसके अंदर मैंने आपको ऐड क्लास और रिमूव क्लास कराया है। ठीक है, और ये मैंने अभी एजेक्ट सिखाया, ये वाला लोड वाला गेट एंड पोस्ट में सर्वर पे सिखाऊंगा। तो अभी ये सारा रह गया है, ये और ये रह गए हमारे पास, है ना। तो अभी क्या करो, पहले इतना सारा ये सारा एक बार करके देखो उधर बैठ के। ठीक है, स्टार्टिंग से करके देखो।